वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज आजम खान के मामले की सुनवाई हुई, जिसके बाद अगली तारीख 17 मई तय की गई है। आज सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मामले में जमानत मिली तो नया केस दर्ज हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है? एक के बाद एक 88 केस दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद सरकार के वकील ने मामले पर जिसके बाद यूपी सरकार के वकील ने कहा कि गलत धारणा है, हम इस पर हलफनामा दाखिल करेंगे। कोर्ट ने इसकी अनुमति देते हुए सुनवाई के लिए 17 मई की अनुमति दे दी है। आजम खान मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मंगलवार तक के लिए टल गई है, अब यह सुनवाई 17 मई को होगी। वहीं आजम खान के वकील ने यह कहा कि आजम खान के ऊपर एक और मुकदमा ला दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी दिखाते हुए यह कहा कि यह क्या है। सरकार की तरफ से यह कहा गया कि उनके ऊपर अभी एक मुकदमा और रह गया है। वहीं जिस मुकदमे में आज सुनवाई होनी थी, उस मुकदमे में पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान को जमानत दे दी है। उसके बाद एक मामला और लाद देने के बाद जो आजम खान के वकील थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट देने की बात कही और उसमें उस मुकदमे को मेंशन करने की बात की, तो वही कोर्ट ने नाराजगी दिखाते हुए अब इस सुनवाई को मंगलवार तक के लिए टाल दिया है। अब देखना यह होगा कि मंगलवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आजम खान के लिए क्या खबर आती है, क्या राहत भरी खबर आएगी, या अभी और कुछ दिन आजम खान को हवालात में गुजारने होंगे। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से कैमरा मैन विपिन कुमार के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में ईडी की टीम जांच करने पहुंची है। टीम के साथ जिला प्रशासन, राजस्व टीम और स्थानीय पुलिस भी पहुंची है। आजम खान पर आय से अधिक संपत्ति में एक मामले में ईडी ने कार्रवाई की है। ग्राउंड जीरो से देखते हैं हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। हम इस वक्त रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में हैं, जो आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर जो ईडी की टीम है वो आई हुई है। ज़िला प्रशासन की टीम, राजस्व विभाग की टीम जो है वो मजिस्ट्रेट के साथ में आई हुई है, और जो ज़मीन है यूनिवर्सिटी में उसकी पैमाइश चल रही है। आप देख सकते हैं ये नक्शा है, और इससे जो अधिकारी हैं वो ये चेक कर रहे हैं कि कौन सा नंबर कहाँ पर है, क्योंकि जो शिकायत हुई है वो ये हुई है ईडी में, जो भाजपा के नेता हैं आकाश सक्सेना, उन्होंने शिकायत की है कि आजम खान ने जो अपनी ये जौहर यूनिवर्सिटी बनाई है, इसकी ज़मीन की ख़रीद फरोख्त में जो पैसे का इस्तेमाल हुआ है वो आय से अधिक का मामला है। और क्योंकि आजम खान उस वक्त नगर विकास मंत्री थे उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में ईडी जो है इस बात की जांच कर रही है कि जो ज़मीनें खरीदी गई हैं, जो यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ है, उसमें जो पैसा आया है वो कहां से आया है, और जो ज़मीनें हैं वो कौन सी ज़मीनें हैं। जो यहां पर ज़िला प्रशासन की टीम आई है वो इस बात की पैमाइश कर रही है कि जो शत्रु संपत्ति है लगभग 250 बीघे, वो ज़मीन कौन सी है, क्योंकि उसकी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसने ये ऑर्डर दिया है कि उसकी पैमाइश की जाए, और शत्रु संपत्ति आजम खान जो हैं वो 50 दिन के अंदर अंदर वापस करें ज़िला प्रशासन को। तो ज़िला प्रशासन की टीम जो है वो मजिस्ट्रेट के साथ आई हुई है, और जो ईडी की टीम है वो उस तरफ वहाँ पर पैमाइश कर रही है, और ईडी के जो अधिकारी हैं अमित मिश्रा जॉइंट डायरेक्टर ईडी, वो साथ में आए हुए हैं, लखनऊ से ये लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर जौहर यूनिवर्सिटी में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, लगभग 450 एकड़ ज़मीन में ये यूनिवर्सिटी बनी है, और यहाँ पर जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस, रामपुर पुलिस, वो उसकी भी दो गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी हुई हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। और जो ईडी के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो जांच कर रहे हैं, और साथ ही साथ ज़िला प्रशासन की टीम भी यहाँ पर जौहर यूनिवर्सिटी में पहुँची है और जाँच पड़ताल चल रही है। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, रामपुर।